हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर का आज का दिन कैसा रहेगा। आपके पार्टनर के लिए कमिंग 24 आवर्स तक के अंदर अंदर क्या कुछ स्पेशल हो सकता है, किस तरह की चीजें इनके साथ हो सकती हैं, आइए जानते हैं। तो इस शफल डेक से हम लेंगे फर्स्ट कार्ड जो आया है स्टार। आज के दिन में इनकी विश पूरी होगी, कोई मनौती, कोई प्रेयर, कोई इच्छा जो इन्होंने मैनिफेस्ट की हुई है वही इनकी आज के दिन में पूरी होगी, या आपके साथ अगर कुछ इनका है तो वो कंप्लीट हो सकता है। जो भी इन्होंने मैनिफेस्ट किया है, प्रेयर किया है, चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, हेल्थ है, इन्हें मिलेगा। ठीक है, ये गुड न्यूज आपके साथ भी शेयर कर सकते हैं। कहीं कुछ खरीदना चाह रहे थे फाइनेंसिस ठीक होने के लिए, तो ये वहां पर भी कुछ खरीद सकते हैं। जैसे होता है ना कि हमें मन में ये है कि हमें ये चीज खरीदनी है, तो ये आज के दिन में उसे खरीद ही लें, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ, विश फुलफिलमेंट के साथ आने वाला चेंज आज के दिन में। ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन आज के दिन में कहीं ट्रेवल कर सकते हैं। इनकी लाइफ में किसी तरीके के पॉजिटिव चेंज का इशारा है, जहां पर डिवाइन इनके अच्छे कर्मास को पे बैक करें। ठीक है, इनको डिवाइन सपोर्ट आज के दिन में मिल सकता है, और लाइफ में आगे शिफ्ट आने से रिलेटेड एनर्जीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आपके पर्सन की वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर से आपकी बातचीत हो जाए आज के दिन में, ये आपको कॉल मैसेज करें। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पार्टनर आपको खुद से कॉल मैसेज करें, मीटिंग के कहीं जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको मिल गए, कहीं टकरा गए आप लोग, सोची समझी मीटिंग हो सकती है। आपके साथ रिलेशनशिप में मूवमेंट की एनर्जी है, जैसे आज के दिन में आपका ही रिश्ता आगे बढ़े, कुछ स्टेप्स आगे की तरफ लिए जाए। ठीक है, आज के दिन में इनका माइंड पॉजिटिव रहेगा, तो ये जिससे भी बात करेंगे बहुत क्लियर कट करेंगे। नेक्स्ट वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन में आपके पर्सन किसी चीज को लेकर, कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे जो कहीं रेस्ट करें, रुक जाएं, स्टे करने की एनर्जी है। अगर ये कहीं बाहर है, अपने डेट आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि आप इनसे कुछ कमिटमेंट के लिए बोलें तो ये आपको आगे डिले कर दें। किसी बात में आप पक्की कुछ चीजों को मांगने की कोशिश करें या फैसले की कोशिश करें, तो ये आपको फैसला नहीं करने वाले हैं, ये उसे खींच लेंगे आगे कि मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मुझे इतना टाइम लग सकता है। मतलब इनकी एनर्जी में डिलेड एनर्जी से ये बहुत ज्यादा सुस्त होकर एक टर्टल की स्पीड से काम करने वालों में से नजर आते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। करियर को लेकर स्टेबल मेहनत करने की एनर्जी है। आपसे अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, आपसे फाइनेंशियली हेल्प मांग सकते हैं अगर आपके फाइनेंसेस इनसे ज्यादा अच्छे हैं, कमाल के हैं। आपको आज के दिन में बहुत केयर कर सकते हैं। अगर आपसे बातचीत होती है तो ये आपको कोई आउटफिट गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, उनका भी आज के दिन में अपने पार्टनर से कांटेक्ट होगा। ठीक है, जिसका कांटेक्ट होता है आप बता सकते हैं मुझे। एंड द लास्ट वी हैव द हर्मिट। कुछ लोगों के पार्टनर आज के दिन में सडन हर्मिट सिचुएशन को ब्रेक करते हुए आपसे बात करेंगे, मतलब अपनी चुप्पी को, अपने साइलेंस को ब्रेक करेंगे। आज के दिन में किसी गुरु की गाइडेंस मिल सकती है, सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई गाइडेंस हो सकती है, किसी की सेवा करें, किसी को घर पे ले आए, कोई इनके घर पे आ जाए, कुछ किसी वयस्क, किसी बहुत ही वृद्ध व्यक्ति से रिलेटेड कुछ गाइडेंस है, जैसे इन्हें किसी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति किसी सीनियर सिटीजन से हो। सो गाइज, ये थी आपके पार्टनर की कमिंग 24 आवर्स की एनर्जी। आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।